you say go Runga? Go Runga. Go what? Excuse me, miss. Can you say go Runga? Go Runga. Go Runga. गौर से देखिए, ये हिंदुस्तान की सरजमी नहीं, ये चमचमाती सड़क विदेशी है। ये अलौकिक नज़ारा अमेरिका के डेनवर शहर का है, जहां विदेशी लोग गौरंगा की जप लगा रहे हैं और अपने साथ साथ कईयों को नाचने पर मजबूर कर रहे हैं। हाँ, ऐसी है भारत की संस्कृति, जो अपने रंग में हर किसी को रंग देती है। विलासिता से दूर आज सैकड़ों विदेशी हैं, जो अपनी मर्जी से हिंदू संस्कृति को गले लगा रहे हैं। इन्हें कोई पैसे देकर ना कोई लालच देकर सादगी भरा जीवन जीने को मजबूर कर रहा है। ये अपने तन मन धन से श्री कृष्ण भक्ति में लीन हो गए हैं और सादगी भरा जीवन जी रहे हैं। अब इन्हें भी देखते चलिए, माथे पर चंदन, चेहरे पर मुस्कान, गले में कंठी, हाथ जोड़े आंखें मूंदे श्री कृष्ण भक्ति में लीन ये लोग हिंदू संस्कृति की शरण में अपने आप को न्यौछावर कर चुके हैं, खुद को हरि चरणों में नतमस्तक कर चुके हैं। सवाल ये उठता है कि दूसरा धर्म होने के बाद भी ये सनातन धर्म को अपनाए क्यों बैठे हैं? तो बता दें कि इन्हें आध्यात्म के रास्ते पर लाने वाले शख्स हैं स्वामी श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद स्कॉन के संस्थापक हैं। उन्होंने अंग्रेजी भाषा में अपने हाथ से भगवद गीता लिखी और 70 साल की उम्र में निकल पड़े सात समुन्दर पार के सफर पर विदेशियों को हरि दर्शन कराने। उनका ये सफर इतना आसान नहीं था। अपनी 32 दिन की यात्रा में उन्हें कई तरह की कठिनाइयां झेलनी पड़ी। उन्हें इस यात्रा के दौरान दो बार हार्ट अटैक भी आया, लेकिन उन्हें याद था तो सिर्फ अपने गुरु का आदेश। उनके गुरु का आदेश था भगवद गीता का पूरी दुनिया में विस्तार हो। साथ में कुछ डॉलर और किताबें लिए ये एक ऐसे देश निकल पड़े जहाँ उन्हें कोई नहीं जानता था। अपना अनुभव साझा करते हुए उन्होंने कहा था कि मैं अकेला हूँ, मैं सब कुछ नहीं कर सकता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता। यही हिम्मत लेकर वो निकल पड़े अमेरिका। ये वो समय था जब अमेरिकन सरकार हिप्पियों की मनमानी से त्रस्त हो चुकी थी। जान लीजिए हिप्पी आखिर होते कौन हैं। ये वो लोग हैं जो हमेशा नशे में डूबे रहते हैं, अपना घर बार छोड़कर सड़कों पर जिंदगी जीते हैं और इन्हें किसी की परवाह नहीं होती। श्री प्रभुपाद जब न्यूयॉर्क पहुंचे तो उन्होंने तय किया कि वे भगवद गीता का सार सबसे पहले इन बिगड़े लोगों को ही सिखाएंगे। श्री प्रभुपाद के लिए एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने हिप्पियों के दिल में जगह बना ली। वे उन हिप्पियों के लिए कीर्तन किया करते, उन्हें भगवद गीता समझाते, लेकिन वे हिप्पी उनकी एक नहीं सुनते। वो सारे उनके साथ बुरा बर्ताव करते थे, उनके ऊपर सिगरेट का धुआं उड़ाते, उन्हें तरह तरह की यातनाएं दिया करते। लेकिन श्रील प्रभुपाद सनातन धर्म के प्रचार के लिए अडिग थे। ऐसे ही धीरे धीरे प्रभुपाद ने उन सभी का नशा छुड़वा दिया और उन्हें हरि नाम की लत लगा दी। ये ऐसे संत सन्यासी हैं जिनके कारण आज पूरी दुनिया में सैकड़ों कृष्ण मंदिर हैं और दुनिया के हर कोने में भगवद गीता पढ़ाई जाती है। आज दुनिया भर में श्री कृष्ण के सैकड़ों अनुयायी हैं जो अब करुणा के रास्ते पर चलते हैं। आज कई ऐसे मशहूर लोग हैं जो हिंदुत्व का लोहा मानते हैं। लेखक क्रिस्टोफर इसरवुड, गायक जॉर्ज हैरिसन, स्टैंड अप कॉमेडियन रसल ब्रांड, न जाने ऐसे कई नाम हैं जिन्होंने सनातन धर्म का लोहा माना और ईसाई धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया। ज्यादा दूर जाने की क्या जरूरत है, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा को ही देख लीजिए। वो भगवान हनुमान से इतने प्रभावित हुए कि वो अपने साथ हमेशा उनकी एक प्रतिमा रखकर चलते हैं। सनातन धर्म एकमात्र ऐसी संस्कृति है जिसका अपना कोई धर्म नहीं। अगर अब धर्म ने हमारे यहाँ अपनी जगह बना ली है तो ये बाहरी प्रभावों की वजह से है।
नहीं तो एक संस्कृति के तौर पर यहाँ कोई धर्म नहीं है। यहाँ अक्सर सनातन धर्म की बात होती है, जिसका मतलब है सार्वभौमिक धर्म। जब हम सार्वभौमिक धर्म की बात करते हैं, तो हम ये नहीं कहते कि सभी लोगों के लिए ये एक ही धर्म है, बल्कि हिंदुत्व का मकसद ये होता है कि हम में से हर एक का अपना धर्म है। यही वजह है कि हिंदू संस्कृति को आज एक भौगोलिक पहचान मिली है। हिंदू संस्कृति की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये लोगों को अपने हिसाब से भगवान बनाने और उसे पूजने की आज़ादी देती है। दूसरी तमाम संस्कृतियों ने अपने लोगों को ऐसी आज़ादी नहीं दी है। यही वजह है कि हिंदू संस्कृति को आध्यात्म के लिए सर्वोत्तम माना गया है।